तो आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग और साथ साथ इम्पोर्टेंट भी बन जाता है। एसएससी जीडी की यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं। एक बार फिर से आज जीके जीएस वाले सेक्शन का इम्पोर्टेंट टॉपिक हम आपके सामने लेकर आए हैं। फेमस डांस फॉर्म हम आज यहाँ पे कवर करने वाले हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम वो सभी कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो अगर आप देखना चाहते हो जीके की, तो अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है। इसी तरह से एसएससी जीडी की और भी प्लेलिस्ट है, वहां पर जाके आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हो। तो जीके की नई वीडियो स्टार्ट करते हैं, डांस फॉर्म स्टार्ट करते हैं आज हम कवर करना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लासिकल डांस फॉर्म। दो तरह के डांस फॉर्म हो जाएंगे, क्लासिकल एक फोक वाले डांस हमारे पास हो जाएंगे। क्लासिकल वो हो जाएंगे जिनको एक्सपर्ट्स के तौर पर परफॉर्म कर जाता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, एक एक्सपर्ट जो काफी सालों से सीख रहा है वही इस डांस को परफॉर्म कर सकता है। फोक डांस की बात करेंगे वो तो ग्रुप वगैरह में जो स्टेट वगैरह के डांस फॉर्म होते हैं वो सारे आ जाते हैं। तो जो पहले आठ आपको बताऊंगा वो रिकॉग्नाइज्ड क्लासिकल डांस फॉर्म है। तो आठ क्लासिकल डांस फॉर्म यहाँ पर आने वाली है, ये सात है लेकिन आठ हो जाएंगे। अभी आपको समझ जाएगा कैसे। तो यहाँ पर जितने भी डांस फॉर्म होंगे, जो आठ डांस फॉर्म मैं आपको दिखाऊंगा, वो सभी के सभी क्लासिकल डांस फॉर्म है। यानी कि यहाँ पर जो हम सबसे पहले बात करेंगे ये किस तरह की डांस फॉर्म होंगी, ये क्लासिकल डांस फॉर्म होंगी। और बाकी जो मैं डांस फॉर्म डिस्कस करूंगा आपसे, ये इम्पोर्टेंट फोक डांस हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको समझ आ रहा होगा। आज के इस वीडियो में हम तकरीबन मिक्स करके सभी डांस फॉर्म को समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा उड़ीसा का। यहाँ पे देखो जो आठ क्लासिकल डांस फॉर्म है एक उड़ीसा से हमारे पास आता है। और बड़े मजे से बड़े आराम से याद कर सकते हो उड़ीसी। पहला क्लासिकल डांस फॉर्म हमारे पास कौन सा आ गया, उड़ीसी। ये कहाँ को बिलोंग करता है, उड़ीसा का है। कोई डिफिकल्टी तो होगी नहीं, या फिर ट्रिक की जरूरत है ही नहीं। अगर है भी तो उड़ीसा से उड़ीसी बन गया, ये तो बड़ा सिंपल रहने वाला है ना। आगे चलते, यहाँ से अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेगा तो कैसा बन सकता है। यहाँ से पूछ लेगा ये डांस फॉर्म कहाँ की है, और आपसे पूछ लेगा कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ए क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। हो सकता है वहां पे जो जहाँ पे आपसे पूछ रहे कौन सी क्लासिकल डांस फॉर्म है, वहां पर यहाँ में से कोई एक नाम होगा, बाकी तीन नाम यहाँ से होंगे। तो आपको पहचानना होगा क्या वो क्लासिकल डांस फॉर्म है भी या नहीं। एक तो ये पहचान होनी चाहिए कि क्लासिकल डांस फॉर्म कौन सी है, और दूसरी कौन सी डांस फॉर्म कौन सी स्टेट को बिलोंग करता है। मणिपुर का याद रखना भी बड़ा आसान हो जाएगा। सेकेंड डांस फॉर्म हमारे पास जो क्लासिकल डांस फॉर्म है वो हो जाएगी मणिपुरी। तो इसमें भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, मणिपुर से मणिपुरी बन गया तो ये भी बड़ा इजी बन जाएगा। केरला की बात करें, केरला से दो डांस फॉर्म आती है जो हमारे इंडिया के क्लासिकल डांस फॉर्म है। एक हमारे पास है जैसे कथा, कथा से बन जाता है ये कथकली। एक बन जाता है कथकली और एक आ जाता है मोहिनीअट्टम, एक आ जाता है मोहिनीअट्टम। अब ये दो क्लासिकल डांस फॉर्म और आ जाते हैं, दोनों केरलों को बिलोंग करते हैं। अगर आपको ये याद करना होगा कैसे कर सकते हो, देखो अगर आपको आपने कभी पढ़ा नहीं इसके बारे में, कभी कंफ्यूजन होता है कथकली किस और डांस फॉर्म में समझ लेते हो तो कैसे समझना है। यहाँ पे लिखा गया कर, केरला में क्या है लिखा गया है कर, तो क्या करना है कथा करनी है। क्या करना है कथा करनी है, और कथा करनी किसने है, मोहिनी ने करनी है। तो समझ आ रहा है केरला को कैसे याद कर सकते हो, केरला में कर है तो कर क्या करना है, कथा करनी है। किसने करनी है, मोहिनी ने कथा करनी है। तो इस तरीके से कथकली और मोहिनीअट्टम की बात करें दोनों केरला के डांस फॉर्म है, इतना आपको समझ आ गया। आगे चलते हैं, असम की बात करते हैं। असम की क्लासिकल डांस फॉर्म यहाँ से भी निकल कर आती है, वो कौन सी है, वो है सतरैया। अब इसको कैसे याद कर सकते हो सतरैया वाले वर्ड को, ये तो इतना समझ आ गया। सतरैया जो क्लासिकल डांस फॉर्म है, अभी तक हमने कितनी क्लासिकल डांस फॉर्म पढ़ ली, एक दो तीन चार, ये फिफ्थ क्लासिकल डांस फॉर्म हम पढ़ रहे हैं। और सतरैया कहाँ के डांस फॉर्म है, ये है असम की। अब इसको कैसे हम याद कर सकते हैं, यहाँ पर है सैम है ना, सैम के साथ कौन है, सैम के साथ कौन है, सैम के साथ रिया है। सैम के साथ कौन है, सैम के साथ रिया है। तो जहां पे सैम यानी कि SM आ जाएगा वहां पे साथ में रिया को जरूर लेके आना, वरना काम खराब हो जाएगा। तो इतना भी आपको समझ आ गया है। आगे चलते हैं, नॉर्दर्न इंडिया पर्टिकुलर यूपी या बाकी हिसाब से बात करेंगे, नॉर्दर्न इंडिया की बात करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो फेमस डांस फॉर्म यानी कि क्लासिकल डांस फॉर्म जो यहाँ से आता है वो हमारे पास आ जाएगा कथक। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, कथक हमारे पास आ जाएगा। तो मैंने कहा था कर कथा, वहां पे कथकली भी था क्योंकि वहां पे दो डांस फॉर्म में था ना, तो नाम थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, कथकली कर दिया। जब फिर नॉर्दर्न इंडिया की बात की तो वहां पे कथक आ जाएगा। याद रखना, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, एक है कथकली एक है कथक। जब
जब ने कर कथा कहा था तो कहा था किसने कथा करनी है, मोहिनी ने कथा करनी है, तो इतना बड़ा दो दो डांस फॉर्म थे ना, तो कथा हम अकेला कर नहीं सकते, कथक से कली भी लगा दिया तो कथक कली बन गया था। और यहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया की बात करें कथक है, तो इस तरह से हमने इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म पढ़ी है, और भी जो क्लासिकल डांस फॉर्म है वो कवर कर लेते हैं। अगर तमिलनाडु की बात करेंगे, तमिलनाडु की है भारतनाट्यम, तमिलनाडु की क्लासिकल डांस फॉर्म क्या हो जाएगी, भारतनाट्यम। तो किस तरीके से इसको याद कर सकते हो, यहाँ पे क्या तम, मतलब तम कहाँ रहते हो भाई, तुम कहाँ रहते हो, तुम भारत में रहते हो, तम कहाँ रहते हो, तुम भारत में रहते हो ना, तो तमिलनाडु क्या हो जाएगा, भारतनाट्यम, इस तरीके से कवर कर लेना। और लास्ट में है आंध्र प्रदेश, लास्ट में है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से कौन सी आती है, कुचिपुड़ी, यहाँ से क्या आ जाएगी, कुचिपुड़ी। ठीक है, तो इसको कैसे याद कर सकते हो, इतना तो पता लगे कुचिपुड़ी भी क्लासिकल डांस फॉर्म है, कैसे याद कर सकते हो, आंध्रा यानी कि अंधेरा, अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, इस तरह से कर सकते हो कि अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखता, समझ गए हो, तो कुछ से बन गया कुछ, तो कुचिपुड़ी बना दो गया। तो इस तरीके से जो अपने 8 क्लासिकल डांस फॉर्म समझ ली है, पहले इनको एक बार पढ़ लेते हैं फिर रिवाइज कर लेते हैं। उड़ीसी है, मणिपुरी है, यहाँ पे हमने बात की कथकली भी था, मोहिनीअट्टम भी था, फिर सत्रिया की हमने बात की, फिर कथक की हमने बात की, भरतनाट्यम की बात की, और लास्ट में हमने कुचिपुड़ी की बात कर ली। तो उड़ीसा ये आसान था, मणिपुरी मणिपुर का है, कथा करनी है मोहिनी को तो ये केरला की हो जाएगी, असम के साथ रिया है तो वहां पे साम आपको पता लग गया, नॉर्दर्न इंडिया का कथक हो गया, तम कहाँ रहते हो, भारत में रहते हो, तो भरतनाट्यम कहाँ का, तमिलनाडु का हो गया, और कुछ नहीं दिखता कहाँ पे, अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, तो अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, अंधेरे कुचिपुड़ी हो गया। ये जो 8 डांस फॉर्म थी, ये 8 कौन सी क्लासिकल डांस फॉर्म है, ये 8 की 8 आपको पता होनी चाहिए। बाकी फोक डांस की कैटेगरी में आएंगे, आप जिस भी स्टेट को यूट्यूब को बिलोंग करते हो, आपको अपने स्टेट की जितनी भी डांस फॉर्म है वो तो सभी के सभी पता होनी चाहिए, बाकियों की इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कर लोगे उससे भी काम चल जाएगा। जैसे असम की बात करेंगे तो असम का, हालांकि मैंने यहाँ पर भी बताया था, लेकिन एक और असम का फेमस जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है बिहू, तो बिहू कहाँ की डांस फॉर्म है, ये भी असम की है। तो मैंने क्या कहा था, असम के केस में साथ रिया, सैम के साथ कौन है, रिया, तो सैम उसको बहू बना के लेके आ गया, है ना, सैम के साथ कौन है, सैम के साथ रिया थी, तो सैम घर की बहू बना के लेके आ गया, तो उसका आ गया बिहू, समझ रहे हो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, ट्रिक्स अच्छी लग रही है, तो वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करना, जीके में बहुत कुछ पढ़ना है, इस तरह की ट्रिक्स आपके लिए आती रहेंगी। गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात का आपको वैसे भी पता होगा, इसका कोई डिफिकल्ट भी नहीं है, गुजरात में गरबा भी हो जाएगा, डांडिया वगैरह भी हो जाएगा, तो इस तरीके से डांडिया भी लिख दो, गरबा भी लिख दो, सारे गुजरात में आ जाएगा, तो वो तो नॉर्मल सा है। हरियाणा में सारे झूम रहे थे, हरियाणा में सारे क्या कर रहे थे, झूम रहे थे, तो झूमर कहाँ का हो जाएगा, हरियाणा का हो जाएगा, हरियाणा में सारे झूम रहे थे तो झूमर हो जाएगा। और एक बात याद है, SSC GD के लिए ग्रुप बनाया गया टेलीग्राम पर, जहाँ पर हमारे पास जो स्टडी मटेरियल होगा हम शेयर करेंगे, आपके पास जो होगा आप शेयर करोगे, इम्पोर्टेंट क्विज वगैरह MCQ शेयर करते जाएंगे, होते जाएंगे, डाउट्स क्लियर करते जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाता है, डिफेंस एंड SSC एग्जाम इसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो, हालांकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाता है, वहां पर जाकर भी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। SSC GD का फुल कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, जल्दी से मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करना चाहते हो, वीकली टेस्ट भी अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर SSC GD का फुल लेंथ कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, असम का बिहू बताया मैंने, गुजरात का गरबा बताया, हरियाणा का झूमर बता दिया, झूम रहे थे सभी, जम्मू कश्मीर में रूफ आ जाता है, कुद आ जाता है, हफीज नगमा आ जाता है, कई सारे डांस फॉर्म आ जाएंगे, आपको जो है कम से कम यहाँ पे रूफ के बारे में पता होना चाहिए, एक फेमस डांस फॉर्म है जम्मू कश्मीर का, अब जहां पर मिला तो वहां के सभी डांस फॉर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र में लावणी है ना, तो महाराष्ट्र में लव बहुत है, महाराष्ट्र में लव बहुत है तो लावणी बन गया वहां से, एटलीस्ट इतने डांस फॉर्म आप तो आपको याद होने चाहिए, बाकी आपको मेहनत करनी है, और भी स्टेट की इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म धीरे धीरे करके याद कर जाओ, पहले इतना पोर्शन कवर कर लो फिर इसमें और एड ऑन करते जाना। पंजाब की बात करेंगे, पंजाब में पता है गिद्दा हो जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं होगा, भांगड़ा भी हो जाएगा, तो इस तरीके से पंजाब को तो आप कर ही सकते हो, गिद्दा भांगड़ा वगैरह सब कहाँ पर आ जाएगा, पंजाब में आ जाएगा। यूपी में नौटंकी बड़ी चल रही है भाई साहब, यूपी में नौटंकी बड़ी चल रही है भाई साहब, तो यूपी में नौटंकी हो जाएगा, नौटंकी के साथ रासलीला भी बड़ी चलती है, इस तरीके से यूपी में नौटंकी भी है और रासलीला भी है, यहाँ पे छपेली वगैरह भी है जो कि आगे और भी कॉमन हो जाएगी। राजस्थान की बात करें, हरियाणा में सारे झूम रहे थे, राजस्थान में सारे घूम रहे थे, तो
तो राजस्थान में क्या हो जाएगा, घूमर हो जाएगा, है ना। राजस्थान में क्या हो जाएगा, घूमर हो जाएगा। हरियाणा में सारे झूम रहे थे, राजस्थान में सारे घूम रहे थे, तो वहां से घूमर आपने कवर कर लिया। उत्तराखंड की बात करेंगे, उत्तराखंड का एक फेमस है गढ़वाली, उत्तराखंड का एक फेमस डांस फॉर्म है गढ़वाली, है ना। तो उत्तर में किसी का घर है क्या, उत्तर में आप में से किसी का घर है क्या, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या उत्तर में आप में से किसी का घर है, उत्तराखंड में क्या होगा गढ़वाली, कमेंट सेक्शन में वाकई में बताना, यहाँ से कोई बिलोंग करता है क्या। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, वेस्ट बंगाल में बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है, वेस्ट बंगाल में बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। तो गंभीर वहां का जो डांस फॉर्म हो जाएगा, वेस्ट बंगाल में बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में छपेली आ जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया यहाँ पे पहले भी है, हिमाचल प्रदेश में छपेली कर लो, इस तरीके से आप देख सकते हो। और आप जिस भी स्टेट को बिलोंग करते हो, अपने स्टेट की और भी डांस फॉर्म है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, ताकि अगर कोई कमेंट सेक्शन में जाता है उसे कुछ ना कुछ और सीखने को मिल जाए। तो इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करेंगे, मिलेंगे नई वीडियो में। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ किस तरह से आप जाके प्ले लिस्ट में पुरानी वीडियोज को देख सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन करा जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हो, इंस्टाग्राम हमारा जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, फेसबुक पेज हमारा जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है। आप यहाँ पर हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हो, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।